सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बांधी राखी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 73वें स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीएम योगी को राखी भी बांधी। वहीं मुख्यमंत्री ने विधान भवन में तो राज्यपाल ने राजभवन में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस कश्मीर में एक नया सवेरा लेकर आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस कश्मीर में एक नया सवेरा लेकर आया है। उन्हें अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। इस बार स्वतंत्रता दिवस देश के लिए विशिष्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिली है। अब यह राज्य विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है। इसके अलावा लद्दाख के हर नागरिक को भी अब नया सवेरा देखने को मिल रहा है। भारत की एकता और अखंडता की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय अभिनंदनीय है। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आइए संकल्प लें एक नए भारत, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का, जिसमें समाज के हर वर्ग, जाति, पंथ एवं संप्रदाय के लोगों को अपनी संपूर्ण क्षमता के विकास का अवसर मिले। कश्मीरी भाई बहनों के लिए यह स्वतंत्रता दिवस एक नया सवेरा लेकर आया है। उन्हें अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखा गया। रक्षाबंधन पर कई बहनों को सम्मान देने का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन पर कई बहनों को सम्मान देने का काम किया है, जो पीड़ित थे तीन तलाक से। तीन तलाक से मुक्ति नारी की गरिमा और नारी को शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज रक्षाबंधन पर्व की भी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, देश की सभी बहनों बेटियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। प्रदेश की सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सुरक्षित एवं मुफ्त यातायात का तोहफा। 15 अगस्त को परिवहन निगम की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।